आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था, इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूँ कि, और वो भी एक सुरक्षाकर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षाकर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि CISF की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद रहती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस तरह के, खासकर जब एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो है, बट किसी के साथ भी इस तरीके की जो है वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप CISF के सुरक्षा घेरे में होते हैं, और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वहाँ पे आम नागरिक भी जाए, कोई VIP जाए, उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पे पीस इंश्योर करना, वो उनका दायित्व है। अगर वो ही इस तरीके के कार्य करने लग जाएंगे तो उससे क्या मैसेज हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके ग्रीवेंसेज है वो एक अलग बात है, उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाना उनका अधिकार है, मगर इस तरीके से असॉल्ट करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी हम निंदा करें।